गुरुतर कटक एसीबी मेडिकल चिकित्सित होता कालियार अवस्था गुरुतर रही तेणु कालिया को भेंटिलेटर को स्थानांतर छाती में संक्रमण होती भेंटिलेटर में रखा एवं तार स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में दिल्ली एम्स डाक्तरों सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे आलोचना करुछंती एसीबी रो 14 जनिया डाक्तरी टीम दिल्ली एम्स रे अस्त्रोपचार अलग होता जोड़ा मुंड शिशु जगा कालिया किछि दिन पूर्व एसीबी अणा जाइथिला सेठारे एक स्वतंत्र डाक्तरी दल चिकित्सा जारी रखिछंती। कालियार कंडीशन कालीठ क्रिटिकल अच्छे भेंटिलेटर कालिया अच्छे किंतु एट प्रेजेंट विथ भेंटिलेटर कालियार बर्तमान जो अच्छी पारामीटर तार वाइटल साइन स्टेबल अच्छे तो आज सकाळे आमर 9टा बेले प्रोफेसर सुधांशु मिश्र प्रोफेसर संजीव मिश्र पेडियाटिक्र ज्ञान बेहरा आर जो टीम अच्छा पेडियाटिक्र से बर्तमान आप सहित एम्स डाक्तर जी डॉक्टर गुप्ता आउ सहित आज जो डाक्तर माने ये साहय करते से सहित आज गोटे थर डिस्कसन से सब पारामीटर कालियार जनागला एवं से माने बर्तमान आमर डाक्तर सहित डिस्कसन कर बर्तमान यही उपनीत हेले आट प्रेजेंट तार कौन सी मेडिसिन अबिका चेंज हम ना से केतगराक इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करछन्दि जो इन्वेस्टिगेशन हेला परे पुणी तांकु अवगत करा जिवो इन्वेस्टिगेशन रहिए तापर से डिसाइड करिवे जे बर्तन ए जो एंटीबायोटिक ताकु दिया जाउची बर्तन ता देर किछि चेंज हबो कि चेंज हबो। देखो सूचना पाई पोलाने अछन्ते नवेश महंती नवेश कालिया पाई चिंता बढ़ी जाइछि कारण कालियार स्वास्थ्य अवस्था दिन कु दिन बिगिड़ बारे लागिछि तबे कौन आसुचे अधिक सूचना किभली तार स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुस्थ रहिबो कौन से नहीं कि एम्स पक्षर जो जारी करा जायतला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होतला कौन अधिक सूचना आसुचे से नहीं देखो तो कालियार स्वास्थ्य अवस्था इतिमध्ये समय समय बेळ बेळ धीरे धीरे खराब होवा लागिछि एवं दुई दिन हेलाणी से आईसीयू रे थिला एवं दुई दिन हेलाणी ताको एबे वेंटिलेटर रखा जायछि एवं जेतु जने व्यक्ति वेंटिलेटर रे रहिले कितने क्रिटिकल कंडीशन ना ताको वेंटिलेटर रो डाक्टर मान रखंती नहीं तेणु निहाती भावे कालियार स्वास्थ्य अवस्था ये स्पष्ट होती जे अति जटिल अवस्था अच्छी जो वेंटिलेटर रखा जाए और इस संक्रांत में भुवन महाणा जे कि जरूरीकालीन अधिकारी अच्छा एससी मेडिकल से स्पष्ट करते वास्तविक कालियार स्वास्थ्य अवस्था जटिल ही अच्छी रेस्पिरेटर रे प्रॉब्लम होती अर्थात निश्वास प्रश्वास नेबारे से समस्या अनुभव करुची निमोनिया कथा डाक्टर आज स्पष्ट करते निमोनिया चेस्ट इन्फेक्शन जेहतु छाती संक्रमण होती से अनेक प्रकार समस्या सम्मुखीन होती तेणु डाक्तर ताको वेंटिलेटर रखा पर जो वाइटल साइन ता रही स्टेबल अच्छी जहां डाक्तर महाणा कहते तेरे एम्स डाक्तर सहित ए बाबद सविशेष आलोचना करागला विचार विमर्श करागला एम्स डाक्तर का परामर्श रहा एसीपी डाक्तर मानक जे किसी नुआ परीक्षा करने से कहते किसी ब्लड सांपल तार परीक्षा हम और परीक्षा रिपोर्ट आसा पर तुरंत से रिपोर्ट को एम्स डाक्तर सहित जोजोग कर रिपोर्ट संपर्क में सविशेष आलोचना करतापर जो व्यवस्था कथा एम्स डाक्तर कहे से अनुसार ट्रिटमेंट हम मोटामोटी कह आशा कर कालिया खुब शीघ्र आरोग्य लाभ कराई जगाशय खेलाबुला कर तार चिकित्सा पर प्राणमुच उद्यम आरंभ कर डाक्तर आशा कर किसी कम दिन मध्य कि कालिया संपूर्ण सुस्थ होगी तार माँ कोल को फेरी पार नवेश दिल्ली एम्स डाक्तर जहां आलोचना करमर्श दे मुझे एक परामर्श रहा जेहेतु कालिया पार्टी बाटे खाई पारना तार स्टोमाक सीधा सड़क खाद्य पहुंची गोटे पाइप जरिया तेणु पूर्व ही ज्वर था आसला एसी मेडिकल को से तार ज्वर था कन्वर्सन हुए अर्थात बात मध्य अनेक समय कालिया को मारे तेणु यही जो रहा पाखापाखि गोटे मास रही एसी तेणु यही समय कालिया को अनेक थर बात मारी ज्वर लगातार हो चलती किसी दिन है तार निश्वास प्रश्न नेबारे कष्ट अनुभव करता और परीक्षार जना पड़ा जे इनफेक्शन अच्छी गत काली तार चेस्ट एक्सरे कराइला जो थी इनफेक्शन थी स्पष्ट जनापड़ी से नहीं तो एंटीबायोटिक दिखाई तेरे अधिक किसी एंटीबायोटिक दिजिव कि एंटीबायोटिक परिवर्तन हो विषय में परीक्षा रिपोर्ट आसा पर ही एम्स डाक्तर का परामर्श नि अनुसार एम्स डाक्तर का परामर्श अनुसार एसीबी जो 14 जनिया डाक्तर टीम गठन कर डाक्तर टीम तार चिकित्सा कर मोटामोटी भाव अनुकूल चरपड़ा रेंज अंतुलिया जंगल बाघ आतंक बाघ आक्रमण में युवक गुरुतर युवक चित्तरंजन दल बेहरा
से निकटस्थ जंगल को जीवा बेले हठात गोटे कलरा पतरिया पाख आक्रमण करितला तंको अनुकूल डाक्तरखाना रे भर्ती करा दैछि। मु देखुची जी कौन मु कलेक्टर को टेलीफोन करुच्ची तो रिक्वेस्ट करी चिकित्सा बाबद से किसी बहन करेंगे कही कटक टेलीफोन एवं करुच्ची कटक बड़ मेडिकल सहित जोजोग रखी किसी साइपे सहित आनुषंगिक जहाँ खर्च अच्छी मुझे देखी कमी आपको व्यवस्था कर दुईज जाइए जंगल को क्षति उठाया नौटा बेले जाइए बाघ साढ़े दसटा बेल आटाक कर खबर दे लोक जो जाइए सागे विद्याधर से खबर दे भिकारी महांती अच्छा अधिक सूचना पाई भिकारी बाघ आक्रमण में गुरुतर होता युवक स्वास्थ्यावस्था वर्तमान केमी अच्छी बाघ आतंक जो देखा दे से नहीं कि वन विभाग पक्ष सूचना देखु इतिस्मृति आज सका प्राय दसटा बेले जहाँकि रही अंगुल वनखंड जरपड़ा रेंज अंतुलिया जंगल रही जंगल को अंतुलिया गांव दिज चित्तरंजन विश्वाल और तांकर जन पुतुरा दु जन छतु संग्रह करने जमी से जंगल भितर पशि हठात एक कलरा पतरिया बाघ आसला और चित्तरंजन बेक को धरी पकईला और आटाक कर देखिकी जो पुतुरा सागे जाइए सी भयर गोटे गछ उपरकू चढ़ी जाइए गछ उपरकू चढ़ी जाइ से पाटी करते फल जो आखपाखे जो लोक मैंने गाई छेली चढ़ाक जाते से रुंड हो जाते से देखिकी बाघ चित्तरंजन को छाड़ी जंगल भितर को दौड़ी पड़ेगा फल गाँव लोक चित्तरंजन को आणिले और गाँव को आणिकी फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो अच्छा रेंजर और फॉरेस्टर को खबर देते से आसिकी गाड़ी अनुगुल डाक्तरखाना को आनी वर्तमान अनुगुल डाक्तरखाना चित्तरंजन प्राथमिक चिकित्सा चली कि अवस्था अत्यंत संकटापन्न रही तुरंत कटक स्थानांतर कर घटनास्थल को आठमल्लिक जी विधायक अच्छा जेहेतु अंतुलिया आठमल्लिक विधानसभा निर्वाचन मंडल आसू तेणु से अंचल विधायक रमेश साय से मत आसिकी तदारख कर चिकित्सा एवं से डीएफओ सहित जिला प्रशासन जिलापाल सहित आलोचना समस्त ताजा सूचना भिकारी महांती जी अधिक सूचना दौले कि बाघ आक्रमण में गुरुतर होता युवक स्वास्थ्यावस्था वर्तमान गुरुतर अच्छी तार चिकित्सा वर्तमान जारी रही। कलाहांडी जूनागढ़ गणदुष्कर्म मामलें आज पुणि थे पीड़िता बयान रेकर्ड कर बस ड्राइवर ललिंद्र शबर दुष्कर्म करथिबा नै गतकाली एक गणमाध्यम को कहिथिले पीड़िता लिफ्ट देथिबा ललिंद्र शबर हेउछि मुख्य अभियुक्त जंगल रे ललिंद्र प्रथमे तांकु दुष्कर्म करथिला आउ ललिंद्र विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करथिले पीड़िता ए भिडियो भाइराल हेबा परे मामला भिन्न बड़ नैथिला पुलिस को कड़ा समालोचनार शिकार हेबाकु पड़िथिला पुलिस मुख्य अभियुक्त को राज्य साक्षी करी ता प्रति कोहल मनोभाव पोषण करुछि बोली अभियोग होइथिला पूर्व बयान रे पीड़िता एने किछि कहि नथिबा एपरिकी एफआईआर रे मध्य ललिंद्र शबर रो ना नै नथिबा कलाहांडी एसपी कहिथिले एहा परे पीड़िता को सानी बयान रेकर्ड करबा को से निर्देश देथिले। अंशुमान पात्र फोन लाइन जोड़ी होती अंशुमान पुणि थे पीड़िता बयान रेकर्ड कर सूचना कौन आसू देखो तो मैंने आज सरी पुलिस रो जो 161 स्टेटमेंट नवा कथा पीड़िता तार बयान नहीं सारी पुलिस वर्तमान कोर्ट रे मैंने तार बयान नवार अच्छी कोर्ट को किसी समय पर प्रोड्यूस कर कलाहांडी पुलिस निश्चित भाव में घटना को नहीं मैंने पुणी चर्चा को कलाहांडी जिला जेहेतु थमार लगी नौ जन को इतिम्धे कोर्ट फोरार हो सारे आनी हठात स्थानीय गणमाध्यम को जो पीड़िता जनक बयान देले बयान देला घटना पूरा यू टर्न नहींगला यापर पुणी का मान पुलिस पूरा मान तार तत्परता देखा जाने बयान रेकर्ड आनी तार स्थानीय बयान आज रेकर्ड कर बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान आपण को समस्त ताजा सूचना पे। केन्द्रापड़ा एनकाउंटर पुलिस गुड़े आहत होइछि अपराधी ऋषिकेश मल्लिक ऋषिकेश गोड़े रे दुईटी गुड़ी बाजिछि केन्द्रापड़ा गोरापुर अंचल रे एनकाउंटर होइछि गुरुतर अवस्था रे ऋषिकेश को जिला मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि आली जुआनिया गांव
लुटपाट करी फेरिबा बळे डकायतंकु धरिबा पई पुलिस उद्यम करितला। ई समयरे पुलिस पक्षरु एनकाउंटर करा जायछि। एतिर अपराधी ऋषिकेश आहत होइतिबा बळे अन्य चारि अपराधी घटनास्थलरु फेरार होइ जायछन्ति। आजि जुवाणिया गांर नवघन परिडांक घरु डकायती होइतिबा अभिजोग होइछि। डकायतंक ठारु नकली पिस्तल मारणास्त्र एक कार जबत होइछि। फेरार अपराधीकु धरिबाकु पुलिस छानबिन चलायछि। अपराधी ऋषिकेश नारे अनेक मामला थिबा पुलिस कहिछि। विपदरे राउरकेलार लाइफलाइन। राउरकेलावासी एकमात्र साहा भरोसा 143 नंबर जातीय राजपथ उपरे पानपोस्ट निकटरे थिबा ब्राह्मणी सेतु एबे दुर्बल। पोलर स्लाब भांगिबा सह पोल उपरे सृष्टि होइछि बड़ बड़ गात। भारीजान ठारु आरंभ करी लोकमाने यातायात करुछन्ति विपदरे। अनेपटे द्वितीय ब्राह्मणी सेतुर काम पड़ी रहिछि अधपंतरी अवस्थारे, फलरे लोकमानक मनरे देखा देइछि असंतोष। विपदरे ब्राह्मणी ब्रिज पानपोस्ट छक निकटे ब्राह्मणी नदी उपरे निर्मित पोल एबे जराजीर्ण। राउरकेलारु सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर तथा छत्तीसगढ़ जिबापाई एकमात्र रास्ता हेउछि 143 नंबर जातीय राजपथ। एबे पोल उपरे सृष्टि हेइछि बड़ बड़ गात, जहाँ फलरे अनेक समय घंटा घंटा धरी अटकी रहुछि जानवाहन, एपरिकि लोकमाने जिबा आसिबा पई मध्य भय करुछन्ति। तृतीय ब्रिज एवं तृतीय ब्रिज यथाशीघ्र किभली बारी किभली राउरकेलावासी को दिंतु सहयोग करतु, नचे आगामी दिन में पूरा राउरकेला नुह सुंदरगढ़ जिला नुह ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड कोलाप्स अवस्था आस। प्रत्येक दिन घंटा घंटा धरी ये लोक रोचा ठिया होती, ट्राफिक समस्या होती, धूली धूआ उड़ू एवं NHI डिपार्टमेंट जो हिसाब से कम करे लगुच बोधे आहरी 10-12 वर्ष लगे ये कम संपूर्ण होगा। राउरकेलार 10 लक्ष लोक यठू न जाकि सुविधा न कराई से 5 किलोमीटर जी और बुलिकी जी ये कौ नियम अच्छी मणिटी तुरंत थर्ड ब्रिज कराऊ ना मुझे अक्टोबर 2 तारिख दिन मुझे बसवि गांधी स्टाच्यू सामने कंग्रेस ट्रैक बस 12 घंटा। द्वितीय ब्राह्मणी सेतुर काम आरंभ होती मंथर गतिर कम सांगक जमी अधिग्रहण में विलंब जो कम दीर्घ 3 वर्ष हे असंपूर्ण हो पड़ रही, किंतु 2021 सुधा पोल काम संपूर्ण हेबो बोली NH अधिकारी कहते। अभी ब्रिज का आप देखिएगा बालूघाट साइड काम हो गया है, अब उसका ऊपर उठना है। अभी ब्रिज में रिवर में काम नहीं कर पाते क्योंकि पूरी बारिश है, तो रिवर में काम नहीं कर पाए। कुछ दूर तक आप देखे होंगे मिट्टी भी गिरा के एक आइलैंड टाइप का बनाया था जो वॉश्ड आउट हो गया अभी बारिश में। अब दांडियापल्ली साइड में हमको यही अबटमेंट उठाना है जैसे बालूघाट में उठाए हैं। May 21 तक ब्रिज कंप्लीट हो जाएगी विथ अप्रोचेस। राउरकेलावासी भावावेग जड़ित सेतु को नहीं राउरकेलावासी मनरे देखा देछि असंतोष। तुरंत सेतु निर्माण न करागले एहा एक जन आंदोलन रूप नहीं पारे। राउरकेलारु अमरंजन परिडा, न्यूज 8 नोडिया। ब्राह्मणी सेतुर अवस्था को नहीं विरक्त लोके तेणु पुणि तेजिला द्वितीय ब्राह्मणी सेतु निर्माण दाबी। एने आंदोलन को ओह्लाई कंग्रेस। राउरकेला पानपोस्ट छक कंग्रेस पक्ष विक्षोभ कर कंग्रेस कर्मी मैंने जातीय राजपथ अवरोध कर सेतु निर्माण सह 143 नंबर जातीय राजपथ मरामती दाबी करिछन्ते। गाड़ी चालकों को घारी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट टेंशन। राती पाहिले सबु कामधंदा छाड़ी लोके हाजर हो जाउछन्ते पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर रे। घंटा घंटा धरी छिड़ा होउछन्ते लंबा धाड़ी रे, जेउठी 10-12 घंटा अपेक्षा करबा पई पर करबा परे जांच पई सुजोग मिलुछि, तो आउ केउठी लंबा अपेक्षा रे परे भी विभिन्न कारणरु हेबाकु पड़ुछि हताश। एपटे पॉल्यूशन ऑपरेटर को मतरे धीरे धीरे स्थिति रे सुधार आसीबो। थमे मु आपनकु देखिबा पई चाहिबी जे पॉल्यूशन टेस्टिंग पई केत्ते गाड़ी आसी लाइन रे लागिछि एवं सकाळर प्रथम काम जहां लोकंकर वर्तमान हेछि जे किभलि भाबरे गाड़ीर कागज पत्र संपूर्ण भाबरे ठीक करिवे सेति पई लोकंकर मनरे जो तत्परता प्रकाश पाइछि। जदियो 3 मास कोहळ करा जाइछि किंतु आमे देखिबा जदि प्राय पाखापाखी 15-20 दिन बीती गलाणी, एणु लोकंकर मनरे जो छनका रहिछि जे गाड़ी कागज पत्र निश्चिंत भाबरे ठीक करबाकु पड़िबो सजाडीबाकु पड़िबो नचेत मोटा अंकर फाइन दबाकु पड़िबो। एवं आमे वर्तमान भुवनेश्वर झारपड़ा रो एक टेस्टिंग सेंटर अछु। सर आपण केते बळु आसलेनी टेस्टिंग करबा पई? नियर अबाउट 5:30 रु आसलेनी। सकाळ 5:30 रु काहे की आग एते सकाळ काहे की जत जत कुहा जाय छी 8टा पाका पई देखु जने आपण लाइन रही की कोड पहुंची छी आपण देखु गाटा सेठी थुआइ छी बुझी परछन
ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଦୁଇ ଥର ଅଲରେଡ଼ି ନାରାୟଣୀ ମୋଟର୍ସରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ବୁକ୍ ବି କଲି, ତାପରେ ବି ମୋର ଦୁଇ ଥର ଫେରିଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯାଇକି ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ରୋଡ଼୍ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି, ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 3 times ମୁଁ ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ହେଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ 6th turn ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସକାଳ 5:30 ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜି ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଓଭର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେବେଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ? ରାତି 3 3 ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସକାଳୁ, କାହିଁକି ସାର୍ ଏତେ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତଥାପି କେତେ ନମ୍ବର୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର 4 number 5 number ଅଛି। ସରକାର ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେତେ ପରିମାଣର ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, କରିବା କଥା, ଆଉ 2-4 ଦେଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ 400 କୁପନ୍ ବଟା ହେଇସାରିଲାଣି ଆର ଇଏ ବୁଦେଶ୍ରୀରେ। କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ 400 କୁପନ୍ ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି ଏବଂ ରାତି 4 ଆସି 4 କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? ବାବା ରାତି 4 ଆସିଥିଲେ, ବେପାରର ତ ବାବା ସହିତ ଆସିନଥିଲି, ଅଟୋରେ ଆସିଲି। ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ତ କରିକି ତ ନେବି। ଯେ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ବି ମାନିବାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏକା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତ କେଉଁଠି କୁପନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋକେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାତି ଅଧରୁ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ସକାଳୁ ଗହଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଘା ଦେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ 2 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ବେହାଲ କଟକ ସହର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଲେ ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା କୋଟାର ଭୀମଗଞ୍ଜ ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରଙ୍କ ଉପରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ଏବଂ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆକ୍ରମଣର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଟାବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ତାରିଖ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସମୟ 11:58। ସ୍ଥାନ କୋଟାର ଭୀମଗଞ୍ଜ ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ। ମାତ୍ର 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ ଯେ ପୁରା କୋଟା ସହର ହେଲା ଆତଙ୍କିତ। CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରର ସମୟ, ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛି। ଏ ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଜଣେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହଳଦିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯୁବକ
ଫୋନରେ କିଛି ଦେଖୁଛି। ଏ ସମୟରେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ବସିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗହଳି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସେମିତି ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ହାତ ପଛକୁ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସିସିଟିଭିରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ଗୁଳି। ଏ ଘଟଣା ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଡରାଇଲା। ଏସବୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲାଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଛୁରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପରେ ଧମକ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଫାୟାରିଂ, ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ଗୁଳି, ପିଠିରେ ଭୁସିଲେ ଛୁରୀ, ତିନ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଛାତି ଥରାଇ ଦେଉଥିବା ଏ ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟା ଭୀମଗଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା